पासवान जी के साथ आप लंबे समय तक काम भी किए होंगे, अच्छा आपराधिक छवि कहेंगे कि दबंग नेता कहेंगे? आपराधिक छवि नहीं कहेंगे, दबंग नेता कहेंगे और जनता की कासली सेवक कहेंगे जी। वो जनता की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार था वो आदमी, चाहे उसमें उसको अपराधी कर दें चाहे समाज से। नब्बे की दशक की बात है, बांस गांव में एक रैली होती है, उसमें एक दबंग विधायक मौजूद रहते हैं। उस दबंग विधायक का नाम था ओम प्रकाश पासवान। आज ओम प्रकाश पासवान जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके दोनों लड़के सांसद और विधायक। उस रैली में, बांस गांव की उस रैली में बम से हमला होता है, उस बम से हमले में ओम प्रकाश पासवान की मौत हो जाती है। उनके एक साथी थे, नाम था राजेंद्र शाही, जो उस हमले में बाल बाल बच गए। आज हमारे साथ बातचीत करेंगे, आइए जानते हैं को क्या कहते हैं। शाही जी, गोरखपुर लाइव में आपका स्वागत है। जी जी शाही जी, जो छानवे का समय था, 1995-96 की घटना थी, ओम प्रकाश पासवान पर बम से हमला होता है, उसमें उनकी मौत हो जाती है और मंच पर आप भी मौजूद थे, क्या किस तरह की घटना थी, सिलसिले बार थोड़ा बताइए। वो ओम प्रकाश पासवान जी बांसगांव पार्लियामेंट से लोकसभा का टिकट पाए थे, समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से उनका बांसगांव पार्लियामेंट का दौरा था, सभा रखा गया था। वो एक पहली सभा उनकी हुई बरहलगंज में, दूसरी सभा हुई उनकी समेथान भेटी में, तीसरी सभा हुई बड़गो में। बड़गो के बाद उनकी अंतिम सभा थी बांसगांव में। उनको चुनाव लड़ना था लोकसभा का, वो अपने पर्चा दाखिला का तैयारी भी कर रहे थे और संपर्क भी कर रहे थे। उनका कहना था कि मैं इतना ज्यादा वोट से जीतना चाहता हूं कि रामविलास पासवान का रिकॉर्ड टूट जाए। अच्छा, रामविलास पासवान वो दलित नेता बिहार के, और उनका कहना था कि मैं इतना ज्यादा वोट से जीतना चाहता हूं कि रामविलास पासवान का रिकॉर्ड टूट जाए। अंतिम उनकी सभा थी, करीब 6-7 के लगभग की बात है, टाइम हमको पूरा याद नहीं है। सभा जब खत्म हो जाता है, वो आदमी इतना तेज तर्रार था, सीधे उसका संबंध जनता से था। वहां सभा होने के बाद कोई थाने की शिकायत करता है, कोई ब्लॉक की शिकायत करता है, कोई लेखपाल कानगो तहसील की शिकायत करता है, वो आदमी मंच से ही आदेश करता है कि लोगों का काम हो जाना चाहिए। अच्छा, मतलब आदेश ही लकीर बन जाता था। हाँ, लकीर बन जाता था, मतलब वो कहता था काम करने के लिए, दमदारी से पैरवी करता था। में रहे या न रहे, रहे या न रहे, अच्छा, अपने लोगों का काम दमदारी से पेश करता था और कराता था, ये उसके अंदर क्षमता था। वो जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, उसका नीचे तबके जो गरीब जिसको कहते हैं उनसे उनका संबंध था, हवा हवाई वो राजनीति। फिर हम घटना पर आते हैं, मैं आपसे सवाल, सीधा सवाल है कि उस समय क्या हुआ था, मंच पर आप भी मौजूद थे। सभा होने के बाद, उस समय नवरात्र का समय था, मैं भी व्रत था, मुझे विंध्याचल जाना था दर्शन करने। हमने कहा विधायक जी, अब तो सभा खत्म हो गई, ये तो आपको 5 साल जनता के बीच में रहना है, लोगों का काम करना है, कराना है, ये तो होता रहेगा, अब चला जाए। वो मेरी बात मान लिए, सारे लोग मंच से उतर चुके थे, हम और ओम प्रकाश पासवान दो ही आदमी रह गए थे मंच पर। वो आगे थे, मैं आगे था, वो पीछे थे। टाली का मंच था, लकड़ी का सीढ़ी था, मैं लकड़ी की सीढ़ी पर था, वो टाली पर खड़े हुए। उसी समय उत्तर दिशा, मंच के उत्तर दिशा में जिला पंचायत की दुकान थी, कुछ अतताई जो है उस पर पुलिस बैठे हुए थे। भीड़ भी थी क्या? अरे सभा था तो भीड़ होना ही, आप बता रहे हैं समाप्त हो गया, समाप्त हुआ, लेकिन अभी भीड़ वहां से हटी नहीं, धीरे धीरे हट रही थी। वहां वो आदमी इतना चर्चित था कि लोग उससे बात करना चाहते थे, वो अपना काम करना कहना चाहते थे। हाँ, मतलब जब तक वो मौजूद रहेंगे तब तक भीड़ उपस्थित है। तो उसके बाद उतरने की जब बात आई, उसी समय पीछे से बम चला, हम लोग मंच से नीचे गिर गए, विधायक जी का वही अंतकाल हो गया। आप पर भी, आपके साथ उस समय क्या हुआ? हमारे साथ
ये सब कपड़े मेरे उड़ गए थे शरीर से, मैं आंख का अंधा हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था, मेरे दोनों पैर कट गए थे। हमारे दर्शकों को आप दिखाएंगे क्या? देखिए देखिए स्थिति क्या है इनके पैर। तो बम से हमले में जी हाँ, उसके बाद क्या? उसके बाद आपको तो कुछ याद नहीं था? नहीं, हम बता रहे हैं उस समय हम लोग चलने लायक नहीं थे, ना दिखाई देता था ना सुनाई देता था, अंधे भी हो गए बहरे भी हो गए। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग चिल्लाना शुरू किए, कुछ लोकल लोग दौड़ कर आए ले गए, वही बगल में सदर हॉस्पिटल था, पट्टी उट्टी बदलवाए, एटीएस के इंजेक्शन वगैरह लगाए। उसके बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज भेज दिए गए, सदर हॉस्पिटल भेज दिए गए। तो अपने जो लोग थे उनको मैं बता करके वहां बुलवाया, जिसमें स्वर्गीय बीरेंद्र प्रताप शाही भी थे, राजेश सिंह थे बेतिहाता के, और तमाम लोग थे, हमारे परिवार के भी लोग चले गए, हमारे क्षेत्र के जिले के जो भी हम लोगों के जानने वाले सब आ गए, उनके परिवार के भी सब लोग आ गए वहाँ सदर हॉस्पिटल। वहां से हम लोगों को रेफर कर दिया गया मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज गेट के अंदर जाने के बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, समझे आप। अब वहाँ ट्रीटमेंट होने लगा, काफी दिन ट्रीटमेंट हुआ हम लोगों का, राहत हुए तो घर आए, लेकिन ये घाव सूखता नहीं था। ड्रेसिंग हुआ सालों हुआ, मैं 5 साल बेड पकड़े रहा, चलने फिरने लायक नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे राहत मिला, लेकिन राहत क्या मिला है अब समझ लें, अब जीना है तो कुछ करना है। अच्छा, ओम प्रकाश पासवान जी के साथ आप लंबे समय तक काम भी किए होंगे। अच्छा, आपराधिक छवि कहेंगे कि दबंग नेता कहेंगे? आपराधिक छवि नहीं कहेंगे, हाँ। दबंग नेता कहेंगे और जनता की कासली सेवक कहेंगे जी। वो जनता की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार था वो आदमी, चाहे उसमें उसको अपराधी कह दें चाहे समाज सेवी कह दें, कानून में हाथ में लेना भी तो ठीक नहीं है। हाँ, वही कानून हाथ में नहीं लेता था वो आदमी, संघर्ष करता था, धरना प्रदर्शन करता था, आंदोलन करता था, जनता की आवाज को अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करता था, दमदारी से मतलब पैरवी करता था। अच्छा, अदावत था कि मतलब पहले से समीकरण बन चुका था इनके खिलाफ? उस आदमी के बढ़ाव को देखते हुए जो उनके दुश्मन थे, राजनीतिक दुश्मन कहिए चाहे जो भी दुश्मन कहिए, खड़यंत्र रचे, खड़यंत्र के तहत उनकी हत्या कर दी गई जी, यही है। उनके पुत्र उस समय क्या स्थिति थी? उनके बच्चे दो थे, छोटे थे, जो आज हमारे बांसगांव के पार्लियामेंट के सांसद हैं, उनके लड़के जो है बांसगांव के विधायक हैं। ये लोग काफी नादान थे, लेकिन अब तो विधायक और सांसद हैं। लेकिन एक चीज और सवाल आता है, वो समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ काफी संघर्ष किए, बीजेपी के खिलाफ ही लगातार बोले, आज पुत्र जो है, दोनों पुत्र एक विधायक जी हैं एक सांसद जी हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो राजनीति में होता रहा है पहले से, और आज इस सरकार में तो ज्यादा हो रहा है कि सरकार के आधे से ज्यादा विधायक और सांसद विरोधी दल से आए हैं। नहीं, सरकार में तो नहीं है, सरकार में तो नहीं है ना। एक कहना कि दल का आना जाना ये हो, लगभग मतलब 12-13 साल से कमलेश पासवान सांसद, एक ओम प्रकाश पासवान निर्दल से राजनीति किए, निर्दल से विधायक हुए। अच्छा, उनके मतलब समाजवादी पार्टी में आने के बाद आपका राजनीतिक मित्रता, अभी आप कैमरा कहे हैं कि राजनीतिक मित्रता कह सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी के आने, समाजवादी पार्टी में जब आए उसके पहले से आपका संबंध था कि आने के बाद हुआ? देखी देखा राम बिहारी, तो मिलना जुलना तो पहले से था। अच्छा, लेकिन दल में आने के बाद लगाव पड़ गया। व्यक्तित्व तो कैसा था उनका? आप तो मतलब लंबे समय तक था, व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था जब मुझसे पूछते हैं तो। हाँ, जो जनता की आवाज उठाता हो, जनता की लड़ाई लड़ता हो, जनता के दुख सुख में रहता हो, तो मैं तो कहूंगा उसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा। आज के राजनीतिक दौर को भी आप देख रहे हैं, और मतलब आप 30 से 40 साल मतलब 50 साल से राजनीति में सक्रिय होंगे लगभग
कहा जा सकता है, तो उसमें कितना परिवर्तन आपको महसूस होता है, क्या परिवर्तन आ गया? बहुत ज्यादा आ गया है। पहले लोग जनता का सेवा करके नेता बनते थे, नमस्यता था पहले की और बढ़ गया है, बढ़ गया है। पहले इतना नहीं था, पांचों साल तक दुश्मनी जी, पहले इस तरह का था कि नहीं? पहले ऐसा नहीं था, सब लोग मिल बैठ कर आपस में बात करते थे, वो दल भले ही अलग अलग रहा हो लेकिन मेल मिला भाई बंदे या नेता आकारी हर चीज का संबंध अच्छा था लोगों का।